इंडियन स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी पाएं सबसे पहले। 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से भगवान भीमशंकर का छठा स्थान है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्रि नामक पर्वत पर स्थित है। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये मंदिर अत्यंत पुराना और कलात्मक है। भीमाशंकर मंदिर नागर शैली की वास्तुकला से बनी एक प्राचीन और नई संरचना का सम्मिश्रण है। भीमाशंकर मंदिर के पास कमलजा मंदिर है। कमलजा पार्वती जी का अवतार है। इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। मंदिर के पीछे दो कुंड भी हैं। अनेक धर्म ग्रंथों में इस ज्योतिर्लिंग का वर्णन मिलता है और यहीं से भीमा नदी भी निकलती है। ये दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई रायचूर जिले के कृष्णा नदी में जाकर मिलती है। महाशिवरात्रि या प्रत्येक माह में आने वाली शिवरात्रि में यहाँ पहुँचने के लिए विशेष बसों का प्रबंध किया जाता है। दोस्तों, अब आपको बता दें कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की आखिर मान्यता क्या है। जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर में प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं, उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। इस मंदिर को लेकर एक पौराणिक कथा भी है। शिव पुराण के अनुसार पूर्व काल में भीम नाम का एक बलवान राक्षस था। वह रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था। जब उसे पता चला कि उसके पिता की मृत्यु भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने की है, तो वो बहुत क्रोधित हो गया। विष्णु को पीड़ा देने के उद्देश्य से उसने ब्रह्मा को तप कर प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा से वरदान पाकर वह राक्षस बहुत शक्तिशाली हो गया और उसने इंद्र आदि देवताओं को भी हरा दिया। इसके बाद उसने पृथ्वी को जीतना आरंभ किया। यहाँ कामरूप देश के राजा सुदक्षिण के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भीम ने राजा सुदक्षिण को हरा कर कैद कर लिया। राजा सुदक्षिण भगवान शिव का भक्त था। कैद में रहकर उसने एक पार्थिव शिवलिंग बनाया और उसी की पूजा करने लगा। ये बात जब भीम को पता चली तो वो काफी क्रोधित हो गया और राजा सुदक्षिण का वध करने के लिए वहां पहुंच गया। जब भीम ने सुदक्षिण से ये पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तब सुदक्षिण ने बोला, मैं इस जगत के स्वामी भगवान शंकर की पूजा कर रहा हूँ। भगवान शिव के प्रति राजा सुदक्षिण की भक्ति को देखकर भीम ने जैसे ही उस शिवलिंग पर तलवार चलाई, तभी वहाँ भगवान शिव प्रकट हो गए। प्रकट होकर भगवान शिव ने कहा, मैं भीमेश्वर हूँ और अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूँ। भगवान शिव और राक्षस भीम के बीच काफी भयंकर युद्ध हुआ। अंत में अपनी हुंकार मात्र से भगवान शिव ने भीम तथा अन्य राक्षसों को भस्म कर दिया। तब देवताओं और ऋषि मुनियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप इस स्थान पर सदा के लिए निवास करें। इस प्रकार सभी की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव उस स्थान पर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थिर हो गए। दोस्तों, अब आपको बता देते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग में आपको किस समय पर जाना चाहिए। यदि आपको भीमाशंकर मंदिर की यात्रा करनी है तो अगस्त और फरवरी के महीने के बीच में जाएं। वैसे आप ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर किसी भी समय यहाँ आ जा सकते हैं। और रुकना कहाँ है वो भी चलिए आपको बता देते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को कम से कम 3 दिन जरूर रुकना होता है। श्रद्धालुओं के लिए रुकने की हर तरीके की व्यवस्था की गई है। भीमाशंकर से कुछ ही दूर पर शिनौली और घोड़ा गांव है, जहाँ आपको हर तरीके की सुविधा मिलेगी। दोस्तों, कैसे पहुंचे इस जगह पे, चलिए उस बारे में भी जान लेते हैं। बस सुविधा, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर तक पहुँचने के लिए पुणे से बस सुविधा और टैक्सी आसानी से आपको मिल सकती है। पुणे से MRTC की सरकारी बसें रोजाना सुबह 5 से शाम 4 बजे तक चलती हैं, जिससे आप आसानी से भीमाशंकर मंदिर पहुंच सकते हो। महाशिवरात्रि या प्रत्येक माह में आने वाली शिवरात्रि को यहां पहुंचने के लिए विशेष बसों का भी प्रबंधन किया जाता है। जो यात्री रेल मार्ग से आना चाहते हैं, वे मंदिर के सबसे पास वाले रेलवे स्टेशन यानी कि पुणे में आ सकते हैं। पुणे से भीमाशंकर के लिए बस और टैक्सियां भी उपलब्ध है। अगर आप वायु मार्ग से आना चाहते हैं तो पुणे का हवाई अड्डा बेहतर है। इस अद्भुत ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से आपके सारे पाप कट सकते हैं और आपकी आर्थिक समृद्धि हो सकती है। इसलिए भगवान शिव के इस मंदिर का दर्शन अपने जीवन में जरूर करें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।